आज हम देखते हैं पेज नंबर 18। सम पीपल मे एक्सपीरियंस बोथ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। लोगों के साथ दोनों काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हो सकते हैं। दे आर पुअर एंड दे बिलोंग टू ग्रुप्स हुज कल्चर इज नॉट वैल्यूड। मतलब वो लोग पुअर भी हो सकते हैं, गरीब भी हो सकते हैं, और ऐसे रिलीजन या कल्चर से हो सकते हैं जिसको ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती हो। ट्राइबल्स, सम रिलीजियस ग्रुप एंड इवन पर्टिकुलर रीजन्स आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट फ्रॉम वन और मोर ऑफ दीज रीजन्स। मतलब ये बताया गया कि ट्राइबल्स जो होते हैं वो अलग रीजन से होते हैं, अलग जगह से होते हैं, तो उनके साथ भी भेदभाव किया जाता है एक या दूसरे रीजन से। इन द फॉलोइंग सेक्शन वी विल लुक एट हाउ अ फेमस इंडियन वॉज डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। हमें एक स्टोरी बताई जाएगी जिसमें हमारे इंडियन एक पर्सन थे, उनके साथ उन्होंने मतलब ये डिस्क्रिमिनेशन देखा है। दिस विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द वेज इन विच कास्ट वॉज यूज टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल। मतलब कास्ट का किस तरीके से यूज किया जाता है भेदभाव करने के लिए, डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए। पहले तो चलिए यहाँ पे हमें एक बॉक्स में स्टोरी दे रखी है, वो हम पढ़ लेते हैं। अ कॉमन स्टीरियोटाइप अबाउट मुस्लिम इज दैट दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन एजुकेटिंग गर्ल्स। मतलब स्टीरियोटाइप क्या होता है, जब हम अपने माइंड में एक पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट कर लेते हैं। वो तो वही बताया जा रहा है कि जो मुस्लिम लोग होते हैं वो अपने माइंड में ये क्रिएट कर लेते हैं कि उनको गर्ल्स को नहीं पढ़ाना है। Therefore, they do not send girls to school। मतलब वो अपने माइंड में बना लिए कि हमें गर्ल्स को स्कूल नहीं भेजना है, तो वो स्कूल नहीं भेजते हैं। However, studies have now shown that poverty amongst Muslim is an important reason why Muslim girls do not attend school or drop out from school after a few years। जब सर्वे किया गया, इस पर स्टडी की गई, तो ये पाया गया कि मुस्लिम जो लोग हैं वो स्कूल इसलिए नहीं भेजते हैं क्योंकि पावर्टी के कारण, उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो लड़कियों को स्कूल भेज सकें। इसलिए अगर वो कुछ साल भेजते भी हैं तो बहुत जल्दी उनको निकाल लेते हैं। Wherever efforts has been made to reach education to the poor, there the Muslim community has shown an interest in sending their girls to school। इसमें ये बताया गया कि जब भी मतलब efforts, मतलब सरकार ने जब भी कुछ effort करने की कोशिश की है, तो ये देखा गया है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है, मुस्लिम जो जाति के लोग हैं, वो अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए इच्छा शो किए हैं। मतलब वो इच्छित हैं भेजने के लिए, अगर गवर्नमेंट उनको फ्री में फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है तो। फॉर एग्जाम्पल इन द स्टेट ऑफ केरला, यहाँ पे आपको केरला का एग्जाम्पल दिया जा रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड होम इज नॉट मच। बताया जा रहा है कि जो केरला है, केरला में स्कूल और घर के बीच में इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। देर इज़ अ गुड गवर्नमेंट बस सर्विस, मतलब गवर्नमेंट ने एक बस सर्विस चलाई है दैट हेल्प्स टीचर्स रीच स्कूल इन रूरल एरियाज एंड ओवर 60% ऑफ द टीचर्स आर वुमेन। मतलब उस बस फैसिलिटी का यूज इसलिए किया जाता है कि जो टीचर्स हैं उनको मतलब गांव में ले जाने के लिए, रूरल एरियाज में ले जाने के लिए, और उसमें अधिकतर टीचर्स कितने हैं, 60% टीचर्स वुमेन्स हैं, लेडीज हैं। These factors have developed children from poor families, including Muslim girls, attend school in much larger numbers। तो यही जो facility provide की गई बस सर्विस के कारण जो लड़कियां हैं वो भी अब स्कूल जाने लगी हैं, और स्पेशली मुस्लिम गर्ल्स। In other state where such efforts have not been made, children from poor families, whether Muslim, tribal or so-called lower caste, find it difficult to attend school। अगर बताया जा रहा है कि अगर और states में भी गवर्नमेंट कुछ एफर्ट नहीं डालती, कुछ फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करती, तो भले मुस्लिम हो, चाहे ट्राइबल कम्युनिटी हो, चाहे लोअर कास्ट के लोग हों, वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाएंगे। देयरफॉर पॉवर्टी नॉट रिलीजन इज द कॉज ऑफ नॉन अटेंडेंस ऑफ मुस्लिम इन स्कूल। पर इसमें रिलीजन के कारण नहीं है कि रिलीजन के कारण वो स्कूल नहीं भेज रहे हैं, वो पैसों के कारण नहीं भेज पा रहे, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सके। चलिए हम स्टोरी पे आते हैं। ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, अब यहाँ पे आपको स्टोरी बताई जाएगी। चलिए हम देखते हैं। पीपल आर एंगेज इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क लाइक टीचिंग, कारपेंटरिंग, पोल्ट्री वीविंग, फिनिशिंग, फार्मिंग एसेट्रा टू अर्न लाइवलीहुड। मतलब बताया जा रहा है कि जो आप आसपास के लोगों को भी आप देखते हो तो सब एक जैसा काम नहीं करते। कोई टीचर होता है, कोई फर्नीचर बनाता है, कोई मिट्टी के बर्तन बनाता है, कोई सिलाई करता है, कोई मछली पकड़ता है, कोई खेती करता है। सो ये सब लोग क्यों करते हैं, पैसा कमाने के लिए करते हैं।
However, certain kinds of work are valued more than others. तो उसमें से क्या होता है, इन सब कामों में से कुछ जो काम होता है उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, मतलब बोला जाता है कि वो बहुत अच्छा कैटेगरी का काम है। अगर तुम बढ़ाई हो तो तुम थोड़े लो कास्ट के हो, तुम कचरा उठाते हो तो तुम लो कास्ट के हो, ऐसा बिलीव किया जाता है। एक्टिविटीज़ लाइक क्लीनिंग, वॉशिंग, कटिंग हेयर, पिकिंग गार्बेजेस आर सीन एज टास्क दैट आर ऑफ लेस वैल्यू एंड पीपल हु डू दिस वर्क आर सीन एज डर्टी एंड इम्प्योर। तो वही बताया जाता है कि जो लोग कचरा उठाते हैं रोड में से, बाल काटते हैं, नालियाँ साफ करते हैं, तो उनको क्या, उनके काम को वैल्यू नहीं दी जाती और वो देखा जाता है कि वो डर्टी होते हैं, इम्प्योर होते हैं। दिस बिलीव इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम। इन द कास्ट सिस्टम कम्युनिटीज ग्रुप्स ऑफ पीपल वर प्लेस्ड इन अ शॉर्ट ऑफ लैडर वेयर ईच कास्ट वॉज आइदर अबव और बिलो द अदर। मतलब जो कास्ट सिस्टम है, ये जो हमारी कम्युनिटी है, सोसाइटी है, उसमें लोगों को एक लैडर मतलब सीढ़ी में सजा दिया गया है कास्ट के अकॉर्डिंग। कुछ कास्टों को ऊपर सजाया गया है कि वो बहुत अच्छी होती है, वो बहुत सुपीरियर कास्ट होती है, फिर जो लो होती है उसे उसको फिर नीचे रखा गया और फिर और लो को सबसे नीचे रखा गया है। दोज हु प्लेस themselves एट द टॉप ऑफ द लैडर कॉल themselves, जो सबसे ऊपर होते हैं सीढ़ी में, वो अपने आप को क्या बुलाते हैं, कॉल themselves अपर कास्ट। अपर कास्ट बुलाते हैं, पे नंबर 19 में आ जाते हैं, एंड सो themselves सुपीरियर। वो अपने आप को अपर कास्ट बुलाते हैं और सुपीरियर बताते हैं कि हम सोसाइटी में सबसे सुपीरियर हमारी कास्ट है। द ग्रुप्स हु वर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द लैडर वर सीन एज अनवर्दी एंड आर कॉल्ड अनटचेबल्स। और जो लैडर में सबसे नीचे होते हैं वो अपने आप को अनवर्दी मतलब लेस इम्पॉर्टेंट मानते हैं और अनटचेबल्स के नाम से जाने जाते हैं। फिर देखिए आपको आपको स्टोरी दिया है, दलित इज अ टर्म दैट बिलोंगिंग टू सो कॉल्ड लोअर कास्ट यूज टू एड्रेस देमसेल्फ। जो लोअर कास्ट लोग होते हैं वो अपने लिए दलित वर्ड यूज करते हैं। दे प्रिफर दिस वर्ड टू अनटचेबल, उनका मतलब होता दलित का कि अनटचेबल, जो छुआ छू छू नहीं सकते हैं। दलित मीन्स दोज हु हैव बीन ब्रोकन। दिस वर्ड अकॉर्डिंग टू दलित शोज हाउ सोशल प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन हैव ब्रोकन द दलित पीपल। मतलब उनके साथ बहुत भेदभाव किया जाता है, उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है और लोग अपने माइंड में उनके लिए बहुत नेगेटिविटी क्रिएट कर लेते हैं, तो बेचारे जो होते हैं वो अंदर से टूट जाते हैं। मतलब इतना रोज सोसाइटी में बुरा बुरा सुन के, उनके साथ बुरा बिहेवियर देख के वो बेचारे बहुत सैड होते हैं। द गवर्नमेंट रिफर्स टू दिस ग्रुप ऑफ पीपल एज शेड्यूल कास्ट। और गवर्नमेंट ने इनको क्या नाम से नाम दिया है, शेड्यूल कास्ट के नाम से गवर्नमेंट इन्हें बुलाती है। चलिए आगे हम नेक्स्ट डे देखेंगे।